जीव उत्पत्ति के कारक और ग्रहों में प्रमुख स्थान रखने वाले शुक्र कुंभ राशि की यात्रा समाप्त करके 17 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि पर ये 10 अप्रैल तक गोचर करेंगे, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए शुक्र हमेशा पंच महापुरुष योगों में प्रधान मालव योग का निर्माण करते हैं, किंतु वर्तमान गोचर के समय मीन राशि में पहले से ही सूर्यदेव विद्यमान हैं और शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए इस योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। इनके मीन राशि में प्रवेश का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं। मेष राशि, शुक्र अधिक भागदौड़ और खर्च का सामना करवाएंगे। विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझाएं। वृषभ राशि, स्वामी शुक्र आय के साधन बढ़ाएंगे। सरकार के विभागों में प्रतिष्ठित पड़े कार्य संपन्न होंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे। मिथुन राशि, शुक्र आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। कर्क राशि, शुक्र के शुभ फल स्वरूप धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय एवं कार्यों की सराहना होगी। नागरिकता के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा। संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि, शुक्र का प्रभाव काफी मिला जुला रहेगा। हर कार्य बहुत सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ सकती है। शादी विवाह से संबंधित मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है। कन्या राशि, शुक्र सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधी मामलों में भी प्रगाढ़ता आएगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए आवेदन करना भी सफल रहेगा। तुला राशि, शुक्र स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से भी बचते रहें। अधिक धन उधार के रूप में न दें। झगड़े विवाद से दूर रहें। वृश्चिक राशि, शुक्र शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता दिलाएंगे। संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंधी मामलों में कुछ उदासीनता रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे। धनुराशि, रोजगार की दिशा में किए गए सभी प्रयास सफल रहेंगे। मकान वाहन के क्रय का भी योग बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। मकर राशि, शुक्र कई तरह के मिले जुले फल प्रदान करेंगे। पारिवारिक कलह या भाइयों से आपस में मतभेद हो सकता है। निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। धर्म एवं आध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रहेगी। कुंभ राशि, शुक्र आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे। रुका हुआ धन आएगा। सरकार के विभागों में प्रतिष्ठित पड़े कार्य संपन्न होंगे। षड्यंत्रकारियों से दूर रहें। मीन राशि, शुक्र कई तरह के अप्रत्याशित सुपरिणाम दिलाएंगे। काफी दिनों से लंबित पड़े कार्य संपन्न होंगे। विषम परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।